है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं अंशिका गुप्ता, आपका स्वागत है वॉइस टीवी पर। श्री रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी हुई आयोजित, विभिन्न स्कूलों के 800 से अधिक विद्यार्थियों ने किया प्रतिभा। किड्स कॉर्नर स्कूल प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर रहे मुख्य अतिथि। फिरोजाबाद हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वैदिक संस्कार जागरण मंच चतुर्थ श्री रामचरित मानस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन 31 मार्च को प्रातः 7 बजे शुरू हो गया, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें 800 से अधिक विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। 8 बजे से 9 बजे तक लिखित परीक्षा हुई, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन होने के साथ ही लिखित परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 11 विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया। मौखिक प्रतियोगिता में 3 विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, अन्य सभी 11 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। समापन के समय लकी ड्रॉ के माध्यम से विद्यार्थियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। परीक्षा देने के लिए सभी विद्यार्थियों को पेन भी दिया जाएगा, इसीलिए पेन लाने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मयंक भटनागर मौजूद रहे। संस्थापक सुशील शर्मा ने उनका आभार व्यक्त किया। सचिव कृष्ण कुमार कनक की भी कार्यक्रम में सहयोगात्मक भूमिका रही। खुशी शर्मा, आज रामचरितमानस के बारे के ऊपर प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें ये बताया गया है कि जो बच्चे आजकल CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं, उन्हें रामचरितमानस के बारे में कुछ नहीं आता है, और वो इसमें हमारी संस्कृत के बारे में हमें बताया गया है, और राम जी की यात्राओं के बारे में बताया गया कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। उन्होंने रावण का वध किया था, और अहिल्या को उन्होंने पत्थर मरने से उन्हें हटाया था, और बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम किए थे। आज एक संस्कार जागरण कार्यक्रम है। ये विलुप्त हो रही, डायनासोर की तरह विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति को बचाने का एक लगभग आखिरी प्रयास है। जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक सभ्यता के बीच हमारे बच्चे खोते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, ऐसे में अनूठे ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से एक रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार की अलग जगाने की चेष्टा की जा रही है। जो बच्चे जो व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया में खो चुके हैं, उन्हें वापस अध्यात्म से जोड़ने की चेष्टा है। बच्चों के अंदर आजकल विकृतियां जो आ रही हैं, बहुत ही छोटी उम्र पे जिस तरीके से बच्चे विकृत होते चले जा रहे हैं, उनकी मानसिक विकृतता को दूर करने का एक प्रयास किया है, और वो प्रयास निरंतर कई वर्षों से जारी है। कई संस्थाओं द्वारा इनके प्रयास किए हैं, लेकिन इस तरीके से रामचरितमानस जैसे हमारे संस्कृति के मुख्य काव्य के ऊपर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता एक ऐसा माध्यम है जहां बच्चे वाकई अपनी संस्कृति से दोबारा जुड़ेंगे, और वो दिन दूर नहीं कि भारत वापस सभ्यता और संस्कृति में अग्रणी रहेगा, और हमारे बच्चे कल को गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री राम कह के वापस संबोधन करेंगे। किस तरह का कार्यक्रम बच्चों के लिए रखा है? यह कार्यक्रम 2015 से लगातार चल रहा है। जब पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम के बच्चे, जैसे बार बार उनको राम के पिता का नाम, राम की माँ का नाम, अपने आप को खोते जा रहे थे, और उसका परिणाम जैसा कि समाज में देखने में आ रहा है, जो अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा था, उसको मिटाने के लिए मैंने ये प्रयास किया। स्वर्गीय श्री चक्रेश जैन जी, राम सनी लाल शर्मा जी और मैंने स्वयं, किन बच्चों को किस तरह से हम इस पथ पर लाएं, तो एक प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में ये लगाव हुआ कि आज बच्चे रामचरितमानस फिर से पढ़ने लगे। आपके अपने शहर फिरोजाबाद में बेहतर सुविधाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर दयानंद जैन मेमोरियल हॉस्पिटल। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के रोगों के लिए काय चिकित्सक द्वारा परामर्श उपलब्ध, फोन द्वारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध, ऑपरेशन सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, गर्भपात की सुविधा, कॉल्पोस्कोपी, फ्रीडम 5, कॉपर टी की सुविधा,
नेबुलाइजर की सुविधा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, हिस्टेरेक्टमी सुविधा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर बीना जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय। डॉक्टर शिखा जैन, पता जैन नगर फिरोजाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 8439827781।